पिछले क्लास में हम लोग मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो वहाँ ख़त्म कर रहा है चैप्टर को, लेकिन है ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है ना थोड़ा सा एक दो टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, तो वो हम टॉपिक बता रहे हैं और फिर उससे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, ये इसके अलावा भी है ना हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स पर थाउजेंड, शॉर्टकट में लिखते हैं पीपीटी, ठीक। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, थाउजेंड कितना होता है 10^3। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो नेक्स्ट देखो। पार्ट्स पर मिलियन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, पीपीएम, ये हो गया इसका फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाओ पार्ट्स पर बिलियन, ठीक, पीपीबी, क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन कितना होता है 10^9, ठीक है ना। मास ऑफ सॉलिड को ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे, थाउजेंड रहेगा तो 10^3, मिलियन रहेगा 10^6, बिलियन रहेगा तो 10^9। अब हम लोग एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है। चलो पहले एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन थोड़ा बताने के लिए, फिर तो हम करा रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो, तो 1 लीटर ऑफ सी वाटर का वे दिया हुआ 1050 ग्राम एंड कंटेन्स 6×10^-3 ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन गैस इन पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, ठीक है ना, पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन। क्या फॉर्मूला बताए थे, मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखिए, तो सॉल्यूट किसको बोलते हैं जो कम है, कम खोजो ना कि कौन है, 6×10^-3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सी वाटर का वे दिया ही हुआ 1050 ग्राम इंटू क्या 10^6। सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा 5.71 ppm, ठीक है ना। तो क्लियर है ना पार्ट्स पर मिलियन, कोई दिक्कत नहीं ना, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे, बिलियन है, मिलियन है, तो क्या हो जाएगा 10^6। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.17, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्वेल्थ में भी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, ट्वेल्थ में बताया ना सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग को ये सारा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो जरा देखो, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी, ठीक है ना, सीवियरली कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ना कैंसर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, नेचर। द लेवल ऑफ कॉन्टिमिनेशन वॉज 15 ppm। पहला निकालना है मास परसेंट और दूसरा निकालना है मोलैलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन तुम्हारे पास है उसको नोट कर लिया जाए, ठीक है ना। गिवन मेरे पास क्या क्या है, तो देखो, तो मास ऑफ सॉल्यूट पकड़ो, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 ppm बाय मास है ना, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 15 ppm, ppm बताया ना पार्ट्स पर मिलियन, कितना 10^6, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा हो गया 10^6 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो क्या करेंगे, 10^6 - 15, क्यों, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जिसको माइनस करने का मन होगा करना, -999 करके आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको लगभग 10^6 मान लेंगे, क्यों, क्योंकि 15 जो है 10^6 के मुकाबले बहुत छोटा है, ठीक है ना, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या ले लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट 10^6, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है, इसका मोलर मास जोड़ देना, इसका ज़रूरत पड़ता है मोलर मास, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का तो बताए थे कि 35.5, अच्छे से जोड़ना, नहीं तो सारा न्यूमेरिकल्स फिर गलती हो जाएगा तुम लोग को। तो उसको ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आ जाता है 119.5,
अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट बनाना अपने से जरा, फिर आंसर मैच कर लेना, ठीक है। फर्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, मास परसेंट, क्या निकालना है, मास परसेंट। क्या था फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे लिखिए, इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 50, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10^6 इंटू क्या हो गया 100। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 × 10^-4 15 × 10^-4। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, मोलालिटी। चलो बताओ मोलालिटी का फॉर्मूला याद है ना, पिछले क्लास में पढ़े थे। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए सॉल्वेंट ग्राम में है इंटू ऊपर 1000। मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट मास 15, मोलर मास 119.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट था तो इंटू ऊपर हो जाएगा ना, कितने से, मास ऑफ सॉल्वेंट 10^6 इंटू 1000। करो सॉल्व इसको, ठीक है, जैसे करना है इसको सॉल्व, सॉल्व करो तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10^-4, स्मॉल है मोलालिटी का यूनिट, ठीक है ना, 1.25 इंटू 10^-4 हो गया, क्लियर ना। तो गिवन पहले पकड़ना था, गिवन पकड़ा जाएगा ना, 15 ppm, 15 ppm मतलब 15 कितना में है, 10^6 में है। तो मास ऑफ सॉलिड कितना था 15, मास ऑफ सॉल्यूशन 10^6, सॉल्यूशन होता है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, तो हम लोग ये निकाल लिए मास ऑफ सॉल्वेंट। मास परसेंट का फॉर्मूला सिखाए थे, मोलालिटी का फॉर्मूला भी सिखाए थे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाते हैं। चलो एनसीईआरटी का ये दो क्वेश्चन है वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.6, ठीक। तो देखो तो क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन सैंपल विच हैज डेंसिटी एंड हैज मास परसेंट 69%। बताओ तो सिखाए थे ना फॉर्मूला, क्या सिखाए थे, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट और डेंसिटी रहेगा, तो फॉर्मूला क्या था याद आ रहा है ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, परसेंट इंटू क्या, डेंसिटी इंटू 10 बाई क्या, मोलर मास, ठीक है ना, बाई मोलर मास। मोलर मास किसका था, सॉल्यूट का था, मोलर मास सॉल्यूट हो जाएगा आराम से। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो सॉल्व कर दो, परसेंट कितना दिया हुआ है 69, डेंसिटी 1.41 इंटू 10, नाइट्रिक एसिड है ना HNO3, इसका मोलर मास जोड़ देना, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन क्या हो गया 16 × 3 जोड़ दो 63। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15.4 कैपिटल M मोलारिटी, ठीक, आराम से इसलिए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.11, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सुगर। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी है, सुगर का फॉर्मूला सुक्रोज का दिया हुआ है, ठीक है, 20 ग्राम आर डिसॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर। अब बताओ ना लीटर और ग्राम है, कौन सा फॉर्मूला सिखाए थे मोलैरिटी का, कि लीटर और ग्राम रहेगा, तो याद आ रहा है ना क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले अपने से बनाना फिर चेक करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसे डिवाइड किए थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो मोल तो मास बाई मोलर मास है ना, तो तुम सुक्रोज का मोलर मास जोड़ देना, सुक्रोज का, सुक्रोज का जोड़ दोगे ना ठीक से, C12 एकदम बेसिक चीज़ अच्छे से होना चाहिए, सिखाए हुए हैं 12 इंटू क्या है 12 प्लस 22 इंटू क्या 1 और ऑक्सीजन का क्या है 16 × 11 जोड़ दो 342 आएगा, ठीक है। अब देखो मोल, मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मास कितना दिया हुआ है 20, मोलर मास कितना 342 डिवाइडेड बाई मास ऑफ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 2 लीटर, ठीक है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो आएगा 0.029 कैपिटल M मोलैरिटी, बोलो क्लियर, क्लियर है ना। अब चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये दोनों बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1.12 है, जरा देख लो, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल का डेंसिटी दिया हुआ है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन, ठीक है।
तो हमको वॉल्यूम निकालना है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए? मास चाहिए। क्या चाहिए? मास। तो मोलारिटी का फॉर्मूला में आ जाओ। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या था? मिथेनॉल है ना, मिथेनॉल का क्या होता है? CH3OH। जोड़ दो इसका मोलर मास 12 + 3 + 16 + 1 = 32 आ जाएगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम सीधे पुट कर देते हैं, मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 0.25। देखो हम यहाँ लिख दिए 0.25, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोल क्या होता है? मास बाय मोलर मास, यही तो निकालना है तुमको। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास जोड़ दिए कितना? 32। और वॉल्यूम कितना है? 2.5। कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा देख लो। तो मोलारिटी का था ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और मोल क्या था? मास बाय मोलर मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट निकालो। हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्व करोगे, सॉल्व करके निकालो कितना मास ऑफ सॉल्यूट आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट आ रहा है 20 ग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ वॉल्यूम ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय क्या होता है? वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है ना, मास बाय वॉल्यूम। तो तुमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास निकाले हो 20, डेंसिटी दिया हुआ है ना 0.793। अच्छा यहाँ केजी पर लीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 20 ग्राम है ना, तो ये जो वॉल्यूम हम ले लेते हैं, इस वॉल्यूम को कर दिए ग्राम पर मिलीलीटर। यहाँ वॉल्यूम क्या कर दिए? ग्राम पर मिलीलीटर कर दिए, ठीक है। और ग्राम पर मिलीलीटर और ये क्या है? ग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, मेरा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? मिलीलीटर में आंसर आएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ जाएगा 25.22 मिलीलीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ये अलग था वॉल्यूम निकालने का, मास बाय डेंसिटी, और हमको मास मोलारिटी के फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा कराए हैं तो तुम लोग अपने से इसको सॉल्व कर लेना, हम बस इसको फॉर्मूला पे बैठा दे रहे हैं, ठीक है। देखो याद आता है कि नहीं, मोल फ्रैक्शन वाला जो लेक्चर था ना, उसमें हम सिखाए थे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो, तो कैलकुलेट दी मोलैलिटी, हम बताए थे ना मोलैलिटी ही मोल हो जाता है अगर एक्वस सॉल्यूशन है वाटर का, इथेनॉल इन वाटर, व्हाट इज व्हिच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है ना। तो मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इथेनॉल के मोल को ऊपर लिखोगे, देख लेना वो लेक्चर में बताए थे, फिर क्या होगा? टोटल मोल इथेनॉल प्लस क्या होगा? वाटर, ठीक। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का कितना दिया हुआ है? 0.04। इथेनॉल का मोल C2H5OH डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? N C2H5OH प्लस वाटर का मोल बताए थे ना, कितना बताए थे वाटर का मोल? 55.5 बताए थे। कितना बताए थे? 55.5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 0.04 N C2H5OH प्लस क्या 55.5 × 0.04 = N C2H5OH, ठीक है ना। इसको x और x मान के चलना जैसे है, और फिर तुम लोग मोल इथेनॉल का इससे निकाल लोगे, ठीक था ना। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन बोले थे कि रहेगा, तो वाटर का मोल एक्वस सॉल्यूशन है, नहीं कुछ है गिवन, ठीक है ना। और मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी है तो मोलैलिटी किस में देखे थे? 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट, 1000 क्या था? कैंसिल था। यहाँ वाटर का तुम लोग मोल निकाल लो, वाटर का मोल सॉल्व करके देखो किसका आंसर कितना आता है। तो कितना इसका आंसर आएगा, इसको फिर हम लोग लिख लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा? मोलैलिटी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.31 हो गया, और यही मोलैलिटी होगा। कैसे? मोलैलिटी का फॉर्मूला में बताए थे ना, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना लिए है वाटर का मास? 1000 इंटू क्या है? 1000 हो गया ना। तो ये मोल ही क्या हो जाएगा? मोलैलिटी हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.31 स्मॉल एन मोलैलिटी। क्लियर है? अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन एक बार तुम लोग, जो भी रह गया है थोड़ा बहुत ही रह गया, सारा तो लगभग हम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, फिर एक बार जो रह गया उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एटमिक स्ट्रक्चर, ठीक है।